ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू माई ब्लॉक चेन माइनर्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो बहुत ही बड़ी अपडेट है जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को, बिटमेन की तरफ से आ रही है। बिटमेन लॉन्च कर रहा है एंट माइनर्स फर्स्ट कैस्पा माइनर KS3। तो ये 8.3 टेरा हैश का डिवाइस है, ठीक है। मतलब अभी हम लोग जो GPU माइनिंग कर रहे हैं कैस्पा में, वो इसके सामने कुछ भी नहीं होगी प्रॉब्ली फ्यूचर में। एंड 8.3 टेरा हैश, दैट्स मैसिव गाइस। और 3188 वॉट्स का है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी प्राइस बिटमेन ने अभी आउट नहीं करी है इसकी, और दे आर जस्ट यू नो पोस्टिंग इट लाइक कि गेस द प्राइस एंड हुएवर गेट्स इट विल गेट $10,000 कूपन फ्रॉम एंट माइनर। तो आई थिंक ये बस एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए इस पोस्ट पे किया होगा बिटमेन ने। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसकी लिस्टिंग, जो एसिक माइनर वैल्यू डॉट कॉम पर हो चुकी है। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं, दैट्स मैसिव गाइस। KS3 8.3 टेरा हैश, रिलीज डेट इन्होंने दी है August 23 की। एंड नॉइज़ वही सेम S19 जितनी नॉइज़ है। एल्गोरिदम कैस्पा की के हैवी हैश। प्रॉफिट देखिए गाइस, मैसिव प्रॉफिट, $2,600, दैट्स ह्यूज गाइस। मतलब माइंड ब्लोइंग, मैंने कभी भी किसी डिवाइस का इतना प्रॉफिट नहीं देखा कि भाई $2,000 से प्लस प्रॉफिट। मतलब इंडियन रुपीस में अगर आप इसको देखो तो नियरली अबाउट 2 से 2.5 लाख रुपए के अराउंड पर डे का प्रॉफिट ये जनरेट करेगा एज पर टुडेज डिफिकल्टी एंड टुडेज माइनर स्टार्ट्स, ठीक है। बट ये पता है ऐसे ही होगा गाइस, जैसे आपने K3 में देखा, K7 में देखा, उसमें भी यही यही था कि जब माइनर लॉन्च हो रहा था तब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी, $100, $200, $250। एंड तब ये गाइस मिलता था अराउंड 10 to 15 लैक्स, बहुत ही एक्सपेंसिव माइनर था। एंड धीरे धीरे उसकी भी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन चली गई। तो ऐसे ही होता है जब भी कोई नया माइनर लॉन्च होता है। तो अब जैसे KA3 का मैं आपको दिखाता हूँ स्टैट्स। KA3 जब लॉन्च हुआ था तो उसका भी ऐसे ही प्रॉफिट दिखाता था, बट वो धीरे धीरे जैसे मार्केट में आता है तो वो कॉइन की डिफ़िकल्टी धीरे धीरे नीचे जाती है। ये तो एविडेंट है गाइस, जैसे जैसे मार्केट में और माइनर्स आएंगे सेम एल्गोरिदम पे और डिफिकल्टी बढ़ेगी नेटवर्क की, तो रिवॉर्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे एंड प्रॉफिट्स भी कम होंगे। ये तो एविडेंट है गाइस, हम लोग ने पहले काफ़ी बार देखा है इसको। स्टार्टिंग जब से एंट माइनर्स आए हैं, एसिक माइनर्स आए हैं, तब से हम लोग ये देखते आ रहे हैं। एंड ये भी उसी तरह का एक होगा प्रॉबली, KS3 इसमें भी यही होना है। तो गाइस KA3 का देख सकते हैं प्रॉफिट फेब में दिखा रहे हैं $26। एंड वो देखिए आप, ग्राफ धीरे धीरे नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। एंड करंट का अभी दिखा रहा है अराउंड आप देख सकते हैं $10। तो ये इसके साथ भी यही होगा, KS3 अभी जो दिखा रहा है वो बस मतलब करंट स्टैट्स के अकॉर्डिंग है। अभी ये माइनर क्योंकि रिलीज़ नहीं हो रहा है, प्रॉबेबली अभी प्रोडक्शन में होगा ये, या फिर प्रोडक्शन स्टार्ट होगी इसकी अब। तो इसके जो स्टैट जो इसकी स्टैट्स है, जो इसकी स्पेसिफिकेशंस है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 8.3 टेरा हैश पे इतना प्रॉफिट जनरेट होगा। इट्स जस्ट अ सिंपल कैलकुलेशन एज ऑफ टुडेज डिफिकल्टी। बट जब ये माइनर लॉन्च होगा तब हम लोग देखेंगे गाइज, इसकी काफ़ी हद तक कम हो चुकी होगी प्रॉफिटेबिलिटी। एंड ये जिनको भी पहले मिलेगा, स्कैल्पर्स को या फिर जो भी बिटमेन से डायरेक्टली होलसेलर्स परचेज करते हैं उनको मिलेगा, तो पहले तो वो खुद ही माइन करेंगे अपना पहले वो खुद माइन करेंगे, अपना प्रॉफिट्स निकालेंगे, देन ही ये मार्केट में पुश करेंगे। एंड जैसे जैसे ये लोगों को मिलता जाएगा, जैसे जैसे लोग इसको डिप्लॉय करते जाएंगे, तो माइनर की डिफ़िकल्टी सॉरी एल्गोरिदम और माइनर्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे, इसकी डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगी कि ये प्रॉफिटेबिलिटी इसकी कम होने लगेगी। तो वही देखेंगे गाइज हम लोग आने 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 वाले टाइम में, लेट सी इसका क्या फ्यूचर रहता है। एंड बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, कैस्पा माइनिंग इज़ गोइंग टू बी डेड नाउ ऑन द GPUs। ये चीज़ पहले भी कई बार हो चुकी है, जेड कैश के साथ में हुई थी, एथीरियम के साथ में भी हुई थी, कि जब जेड कैश के एसिक माइनर्स लॉन्च हो गए थे उस टाइम पे एक एसिक माइनर आता था A9Z Master, आई थिंक बैक इन 2016-17 जब हम लोग लास्ट में माइन करते थे जी कैश। फिर वो आ गया तो जी कैश वॉज कम्प्लीटली यू नो ऑफ फ्रॉम द GPUs, फिर उसके लिए एसिक माइनर्स ही बनते रहे। एंड आज भी बहुत बढ़िया एक डिवाइस आता है एंड माइनर Z15 जो कि उस पर माइन करता है जी कैश पे। और फिर उसके बाद एथीरियम में भी यही हुआ, E9 आया एंड कपल ऑफ एसिक माइनर्स केम। आज भी अगर आप एथीरियम क्लासिक माइन करना चाहते हो GPUs पे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर आप E9 प्रो से, जो कि एंट माइनर का E9 प्रो है, उससे अगर आप माइन करते हो तो आप अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हो उससे। तो दिस वॉज इट गाइज, कीपिंग दिस वीडियो शॉर्ट, इट्स वॉज अ शॉर्ट वीडियो टू गिव यू गाइज अपडेट अबाउट एंट माइनर्स रिसेंट ट्वीट अबाउट KS3 माइनर विच विल बी लॉन्च सून। तो लेट्स सी इसका क्या होता है।
अगर आप भी ASIC माइनर परचेज करना चाहते हैं या फिर आपको माइनिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हैं, टू डू रीच आउट टू अस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, और आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं टू बाय द ASIC माइनर्स shop.mbminers.com. अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप भूलिएगा मत, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल @myblockchainminers. सी यू गाइज इन द नेक्स्ट कंटेंट. ऑल राइट.